देखिए बरादर अजीज, आज तकरीबन 10-15 गाँव से यहाँ पे दस्तजात आए हैं। आज मुहर्रम शहादत हजरत आलमदार हुसैनी के मुनासिबत से हर साल ये गुजार होते हैं और इसका पैगाम ये है कि हम लोग हर साल तजद्दुद अज़ा करें और आज़ादारी में ये पैगाम देते रहें कि हुसैन इब्ने अली किस लिए शहीद हुए थे, और इस पैगाम को लेकर अपने अंदर बसीरत लाएं, बेदारी लाएं, शुऊर लाएं।
अन अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहि सलातो व सलाम से बिलखुसूस आशिकान हजरत अब्बास अलैहि सलातो व सलाम की उनके आजादारी के साथ साथ सोगवारी और मातमदारी के साथ साथ उनके नक्श कदम पर अमली तौर पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे दीन जबान तक महदूद नहीं रहनी चाहिए बल्कि अमली लेवल पर भी हम दीनदार और बादीन बने। और इसके साथ साथ मैं तमाम आलम इस्लाम आलम तशय्यो को आज के इस हम मौके पर महमूम होने और अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के सोगवारों में शामिल होने की तमन्ना करता हूँ। असर घर कमेटी हमारे इलाके मौज़े युरबल तक यहाँ के एक कमेटी है, जवानान तश्कील देते हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, हर साल खिदमत आज़ादारान में ये लोग जो है पेशकदमी रखते हैं और आज़ादारी में बहुत सारे खिदमत अंजाम देते हैं माशाल्लाह। इनके लिए तमन्ना करता हूँ आइंदा भी इनको दीन की जज्बा लेकर शुक्र लेकर मजीद आज़ादारों की खिदमत करने के लिए तौफीक मिले इंशाअल्लाह। आलम इस्लाम को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए करबला में इस्लाम को अगर देखा जाए, इस्लाम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। पैगंबर इकरामी रसूल इकरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गस्ब खिलाफत हुआ। हम कहते हैं माशरे में कहते नजर आते हैं अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज के लिए शहीद हुए, लेकिन हकीकत ये नहीं, क्योंकि यजीदियत भी नमाज पढ़ते थे। रसूल खुदा के बाद जिन लोगों ने खिलाफत को गस्ब किया वो लोग भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन जिस चीज़ के लिए अभी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया वो विलायत और इमामत है। विलायत और इमामत के मनसब को गस्ब किया गया था, उसके लिए अभी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने ईसार कुर्बानी दी। तो मैं दुनिया वालों से आलम तशय्यो से आलम इस्लाम से दुनियादारों से दुनिया वालों से कहना चाहता हूँ कि हमारे अभी अब्दुल्लाह हुसैन मजलूम कर मजलूम करबला ने अगर शहादत दी है तो इसलिए कि इस्लाम को दो हिस्सों में बांटा गया था, इस्लाम हकीकी के चेहरा को दिखाने के लिए और इस्लामी जाली के नकाब को चेहरे से हटाने के लिए अभी अब्दुल्लाह हुसैन ने कुर्बानी पेश की। Zameen ka malaika na chamkat mein
Oh,
Yeah.
जामे मस्जिद फिकला तरबीस साल दुनला अबुल फल अब्बास कमेटी जरिए चे कमेटी तश्कील तांसवीन दयानोग दी फिकारी लगी सोन निशुटु की ताग शर्बगों ने तांसे शहरन सखपा दयानोग नौ महिलाएं दी निशुटु की अंदर कानो अबुल फल अब्बास कमेटी तश्कील तांसे की कखों है दी जगे का ज्ञात दी जगह हजरत अबुल फल अब्बास कमेटी तमाम महल्ला को जामे मस्जिद पिका हर साल माह मुहर्रम यानुक तमाम गति दी महल्ला को न्याना दस्तखों से स्नथो गई 10 बजे के दी कहले बचों बाद और दी जगह के खों से तमाम जवानान उनखों से जोग नहीं गंबो शोग नहीं गंबो इतिहाद नहीं गंबो इतफाक नहीं गंबो दी जगह के सुक्योते खों दी का दस्ता तंग से दी का फ्याक बरगुजार तंग से जमात तंग से दी का मजलिस यंग से नती इलाका मिन मा बाकी नती साइल लयोती अहले तुमेल देर नती बार से जर नती अब्बा दी जर क्या मस्ती मुनि दी का दावा तंग से सुक्योत पर और दिक नंगती बरसता उलमा कुन या मशत मुकद्दस नस्कते ईरान याना ओम मुकद्दस नस्कते नजफ अशरा दिक नस्कते जून गंग मास पैगाम हुसैनी दर से करबला के तमाम इलाका ला पैगंबर कयामत घर का तो ईमान का तो जोर से उठना दिया नोक तमाम में कमेटी अंदर पसर कमेटी इशारी का और हर यूलाना वॉलंटियर फिंगमत खुंग इज देयर सयान खुंग इज स्पीकर दुख से
टाइम एक दिक छों से टाइम एक दिक खों से मजलिस बर्फाव से तबरुक तंग से और बेहतर तरके कन्यन में सा पो इंतजाम इस दिक अति युल्फान ला लिप चुपा एडमिनिस्ट्रेशन ला गचे इंफॉर्मेशन तंग मा एचटी डिपार्टमेंट दिक छु लिप चुपा मेडिकल डिपार्टमेंट उथों से हमेशा दिक तमाम डॉक्टर ना खों नरस ना खों स्टाफ गंग मा यों से पो इंतजाम बात दो में मांगती हुई ना ना वॉलंटियर जो बात कौन सा वॉलंटियर है सब कहती थी कहा बच्चे से कौन सी कोशिश बात बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का चांग बेहतरीन शुक्रिया है कौन सा जब जब भी ना चांग चुक कसम का चांग दिक मदद तो बस ना करो चाहे पीएचई डिपार्टमेंट से चाहे बिजनेस से चाहे ना मेडिकल डिपार्टमेंट से कौन ताउन का चांग दिक ले बात।